बहुत देर हो चुकी है, मुझे घर जाना है, नहीं तो मम्मी के सामने मुझे एक और कहानी सुनानी पड़ेगी। तुम भी ना, एक तो इतने दिनों के बाद मिलती हो और फिर घर जाना है। अच्छा अच्छा प्लीज नाराज मत हो, ठीक है 5 मिनट और बैठते हैं। बस 5 मिनट। अच्छा मैं तुमसे कुछ कहूँ? कहो। मुझे ना यहाँ थोड़ा डर लग रहा है, ये जगह कितनी सुनसान है। सुनसान तो है पर सेफ है, मैं यहाँ बहुत बार आता हूँ। किसके साथ? मतलब क्या, कितनी लड़कियाँ घुमा रहे हो तुम? नहीं चलो चलो जल्दी करो, जल्दी निकलना है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कुछ सुना? चलो 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 जल्दी करो, तुम यहीं ठहरो मैं देख कर आता हूँ। चलो जल्दी जाकर बॉडी फिटिंग करो। हाँ चलो चलो, वक्त बहुत कम है, उठाओ काम चल जा रहा है। हाँ और ये प्लान कामयाब करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा बताया गया है वैसा ही करना। जी दिमाग इस्तेमाल मत करना, चलो। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैंने कहा था जोर से मत मारो, कोई सुनता कहाँ है? पता तो चल गया ना कि कितनी खतरनाक है, एक स्प्रे मारते ही मर गया। सोचो जब बम फटेगा और ये गैस फैलेगी तो कितनी तबाही होगी। सारा शहर कांप जाएगा, हजारों लोग मरेंगे, तब पता चलेगा दुनिया को कि हम क्या चीज है। फेंक दो इसे। फ्रेडरिक्स, 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 फ्रेडरिक्स। तुम हंस क्यों रहे हो? अरे मालूम है ना यहाँ ब्यूरो में हंसना मना है, है? और ये गिर कैसे गए तुम बैठे बैठे अचानक? सर आजकल दिन में शुरू किया क्या तुमने? अरे नहीं नहीं सर, वो अचानक मुझे मेरी वाइफ की एक बात याद आ गई। वाइफ की याद आते कुर्सी से गिर गए? नहीं, जब से मैंने पीना छोड़ा है तब से मेरी वाइफ खुशी से पागल हो गई है, हर जगह एक नमूनी की तरह मुझे लेकर जाती है। किसी की एंगेजमेंट हो, शादी हो या बच्चे का नामकरण हो, सबसे एक ही बात कहती है। सुने जरा क्या कहती है? इनसे मिलिए, ये मेरे हस्बैंड है, आजकल काम खत्म होते ही सीधे घर चले आते हैं। फ्रेडरिक्स, ये शादी का लड्डू है, जिसने खाया वो पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। अच्छा है? सर, अब आप दोनों भी ये लड्डू खा ही लीजिए। हाँ ना खा के पछताने से तो अच्छा है खा के पछताया जाए। अरे फिर हंस रहा है? फिर से वाइफ की याद आ गई क्या? अरे नहीं नहीं सर, इस बार मुझे एसीपी साहब की याद आ गई। सर वैसे एसीपी सर आ कब रहे हैं? एक हफ्ता और लगेगा। हेलो सीआईडी ब्यूरो, तुम कौन बोल रहे हो? सुनो, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सबसे पहले वहां से निकलो, बिना आवाज किए चुपचाप वहां से निकलो, समझे? हम लोग किसी तरह वहां पहुंच जाएंगे, पहले तुम वहां से निकलो। ओके। क्या हुआ, कौन है? अभिजीत, लगता है आतंकवादियों का कोई गैंग तहलका मचाने वाला है। फिर से? हाँ, डॉक के पास एक बंद फैक्ट्री है, ये लोग अभी है वहां। अभी भी है वहां पे? हाँ, एसीपी साहब को बताता हूँ। आउट ऑफ रीच, एसीपी साहब का फोन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा तो अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, वो लोग अभी भी वहीं पर है। सर पर हम इस तरह से इंतजार तो नहीं कर सकते ना? मालूम है मुस्कान, मालूम है। सब लोग गन ले लो अपने अपने, देखते हैं क्या है। बुलेट रख लो बहुत सारी।
ऐसा तो नहीं कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो? हो सकता है, पर इन्फॉर्मेशन आई है, सच भी हो सकता है। एसीपी साहब यहाँ पे है नहीं, हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पता नहीं वहाँ कितने टेररिस्ट होंगे। अच्छा किया हम ये बुलेट प्रूफ जैकेट ले आए साथ। सब ने पहन लिया ना? यस सर। हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो ये गाड़ी थोड़ी दूर पहले छोड़ देंगे। जिंदा बच के आना सर। ऑल द बेस्ट। यही घेरते हैं ने। कहती ना मुस्कान कहाँ है? मुस्कान, मुस्कान, कहीं गाड़ी के पास तो नहीं? मुस्कान, 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 जी, ये तो मुस्कान का जूता लग रहा है। क्या है ये? सीआईडी ऑफिसर्स की टांग। सगो, जानते हो तुम्हारी हरकत ने नाक कटवा दी मेरी। बहादुरी का अवार्ड लेने गया था मैं, दुम दबा कर निकलना पड़ा मुझे वहां से। टेरिस के इतने बड़े गैंग से टक्कर लेने चले थे, मुझे बताया तक नहीं। सर हमने आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर आपका फोन लगा ही नहीं। मेरा फोन नहीं लगा तो कम से कम एटीएस को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। उनका काम ही ये टेरिस से टक्कर लेने का, निकल पड़े बिना किसी बैकअप के। खुद को क्या हिंदी फिल्म के हीरो समझते हो? सर हमने तो जान की बाजी लगा दी। और जान की बाजी लगा दी सर, चार टेररिस्ट को मार गिराए। तो क्या मेडल के लिए नाम भेजू तुम लोगों का? मुस्कान का किडनैप है, उसका मेडल कौन लेगा? सॉरी टू इन्फॉर्म यू बॉयज, बट यू हैव फेल्ड द मिशन। मुस्कान को वापस लाने का तरीका सोचा है? सर एक मरे हुए टेररिस्ट के जेब में से हमें ये पेपर मिला था, इसमें कुछ मार्किंग। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये है क्या। ये कोई सीक्रेट मैसेज है, कोड है, कोड किसी दूसरे के समझ में नहीं आना चाहिए। ये है क्या? सर ये पेपर यहां से फाड़ा गया तो शायद ऐसे सीधा होगा। ओके करेक्ट। फिर सर ये लाइन सीधी लाइन्स है, तो एक पॉइंट से ये दूसरी पॉइंट तक जाती है, अगर हम ऐसा मान के चले तो सर ये ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से ये पॉइंट पे, और ये यहाँ से यहाँ ऐसे। सर मैं ये पॉइंट्स दिखा ही रहा था कि अभिजीत ने बताया कि ये सारे पॉइंट्स सीधी लाइन में हैं। यस सर, एक लाइन यहां से जा सकती है, एक लाइन यहां से भी जा सकती है, एक ये है सर और एक लाइन ये है सर।
पर एक लाइन यहाँ से भी जा सकती है, नीचे से, और ये सीधी लाइन भी आती है सर ऊपर से, एक ये भी है, एक ये है सर, और एक यहाँ पर। सर ये ऊपर नीचे मिला के कुल 25 पॉइंट होते हैं। सर बचपन में मेरी माँ ने सिखाया था कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, मुझे अभी भी याद है सर। प्रेडिक्ट, मुस्कान किडनैप हो गई है और ये पेपर टेररिस्ट की जेब में से मिला है। सर ये सारे पॉइंट्स इंग्लिश के लेटर्स हैं सर, ये देखिए सर 25 और ये जेड 26। मतलब ये पॉइंट ABCD है। लाइन जहां जहां से जाती है वहां के लेटर्स लिखो सर। बी बी ए ए जी जी यू और सी सी एच एच ओ ओ एम आई एस जेड ए। बागू चोमिज़ा, ये तो बहुत बड़ा अपराधी है। देख, ये नाम कंप्यूटर में टाइप करके देखो। सर। बागू चोमिज़ा। ये तो 2003 के दंगों में गिरफ्तार किया गया था, एक साल पहले इसे रिहा कर दिया गया। एड्रेस क्या है? सेक्टर 12B विजयनगर। लगता है घर में कोई नहीं है। कौन है वहाँ? कौन है आप लोग? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग CID से। बागू घर पे है? नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। अच्छा, ले लीजिए। बागू है कहाँ? जब से बागू जेल गया मैंने उसे देखा तक नहीं। सर नहीं है। अगर आपको बागू के बारे में कुछ पता चले या वो आपसे मिलने आए तो हमें जरूर बता देना। चुकी है। तुम फिकर मत करो, बस उनकी नजर में मत आना। मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, लेकिन तब तक के लिए कहीं गायब हो जाओ, समझ गए? देखा, जैसे हम वहां से निकले वो यहां आ गए। पता करो उसने किसको फोन किया था। ये CID ऑफिसर्स अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, हर बार हमसे एक कदम आगे चलने की इनकी आदत पड़ गई है, लेकिन मैं इन्हें हिलाकर रख दूंगी। सर
उस औरत ने पीसीओ से एक मोबाइल नंबर पे फोन किया है, 9154-57981। किसका नंबर है ये? सर नाम और पता दोनों ही गलत दिए हुए सर, पता नहीं अब ये मोबाइल फोन किसके पास है। सर बहुत गड़बड़ है सर। क्या हुआ? वो बूढ़ी औरत अपने घर में से गायब है, वो वहां है नहीं। अब क्या करें सर, दो दिन हो गया मुस्कान उनके चंगुल में फंसी हुई है, भगवान करे वो ठीक ठाक हो। इन आतंकवादियों ने जरूर कोई बड़ा प्लान बनाया है, वरना अभी तक तो उनका फोन आ चुका होगा। सर ये नंबर है। एसीपी प्रद्युमनिया। एसीपी साहब, आपकी ऑफिसर हमारे पास सही सलामत है। बात करो। सर आप इसकी एक भी शर्त मत मानिए। अगर आप मुस्कान को जिंदा देखना चाहते हैं तो आपको मुझसे एक डील करनी है। मैं आतंकवादियों से डील नहीं करता। वापस भेज दो उसे, वो एक सीआईडी ऑफिसर है, खतरों से खेलना उसका काम है। बस फाइनल, और कुछ नहीं बोलना आपको? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुस्कान सुन लिया आपने? गुड बाय। कहीं मार तो नहीं दिया मुस्कान को? मरते वक्त इतनी लंबी चीख निकल गई क्या मुझसे? अगर मुस्कान को मार दिया गया तो उनकी डील नहीं होगी, और जब तक डील नहीं होती मुस्कान को वो लोग नहीं मारेंगे। पर सर आपने डील क्यों नहीं की? कम से कम सुन तो लिया होता कि वो लोग चाहते क्या। मैं आतंकवादियों से डील नहीं करूंगा। पर अगर उन्होंने मुस्कान को मार दिया तो फिर बात ही खत्म, डील करने का सवाल ही नहीं उठता। नो मुस्कान नो डील। एक सीआईडी ऑफिसर की यही कीमत है? वो एक शहीद कहलाएगी। वो आतंकवादियों के बीच फंसी है, अभी कुछ कर नहीं सकती, और हम लोग यहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहे हैं। अगर इतना ही दर्द हो रहा है तो उतारो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट और दिखाओ कुछ हिम्मत। मैं दिखाता हूँ हिम्मत। अभिजीत क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हम लोग यहाँ आके क्यों खड़े हैं आधे घंटे से? बस थोड़ी देर की बात है, निकल जाएंगे। कोई आने वाला? हाँ। कौन? पता नहीं कौन होगा। मुस्कान के बारे में कोई टिप मिली है? क्या मैंने टेररिस्ट से बात की। क्या? मैंने फोन किया उनको। तुमने फोन किया? हाँ, वो लोग हमसे यहीं पे कांटेक्ट करेंगे। ये क्या कर दिया तुमने अभिजीत? एसीपी साहब को पता चलेगा तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे यार एसीपी गया गड्ढे में। अभिजीत तुम भूलो मत, तुम एक सीआईडी ऑफिसर। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, ये गद्दारी है। तुम भूल गए थे जब लॉकअप में तुम्हारे हाथ से एक आदमी मरा था? वो अपने आप मरा था। हाँ फिर भी फंस तो गए थे ना तुम, तो किसने साथ दिया था तुम्हारा? मैं खड़ा था तुम्हारे साथ, एसीपी ने तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। फिर भी अभिजीत, और आज जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम भाग रहे हो? मैं भाग नहीं रहा हूं, मगर एसीपी साहब को बिना बताए तुमने टेररिस्ट से बात की, ये गलत बात है। दया मुस्कान हमारी कोलीग है, एसीपी साहब को तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं है, उन्होंने तो उसकी उम्मीद ही छोड़ दी। लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना, एसीपी तो हमें भी कुर्बान कर देगा, उनके लिए तो जान की कोई कीमत है ही नहीं। ये लो। ये? किसने दिया? वो कार वाले अंकल ने। कहाँ पे? कौन है वो? है? वो तो पता नहीं। दर? वो वहाँ पर है। कार तो है नहीं उधर। मुस्कान के बदले पुलिस रिकॉर्ड 90021 को लेकर आओ कल रात अंधेरी मॉल के सामने, नहीं तो मुस्कान मारी जाएगी।
जरा ये फाइल खोल के देखो तो सही है, पुलिस रिकॉर्ड में 90021 है क्या? ये देखो क्रैमन बल्जर, ये तो वही खतरनाक आतंकवादी है। इंडिया से भागने के बाद इंडियन फोर्स ने इसे बड़ी मुश्किल से रशिया में अरेस्ट किया था। यहाँ जो पिछली बार बमी हुई थी ना, इसमें इसी का हाथ था। उन लोगों को मुस्कान के बदले में ये वाला आदमी चाहिए? नहीं नहीं, बस हम ये नहीं कर सकते। अरे तो क्या मुस्कान को इनके हाथ में ही छोड़ दें? एक तो उसे पहले ही गोली मार दी है, पता नहीं अब तक कितना खून बह गया होगा। जो कुछ भी हुआ अभिजीत, हम इस आदमी को नहीं छोड़ सकते। अरे एक बार मुस्कान हमारे हाथ में आ जाए ना, किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक को मारेंगे। अभिजीत क्रैमर सेंट्रल जेल में है, सेंट्रल जेल में। हम उसे वहां से निकालेंगे कैसे? कोई तो रास्ता होगा ना। क्या हो रहा है यहाँ? सर आप यहाँ? कंप्यूटर बंद है? क्या कर रहे थे तुम लोग यहाँ? सर वो जो टेररिस्ट मारे गए थे उनके बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा कर। कैसी जानकारी? सर देख रहे थे उनसे कोई और क्लू मिलता है। कल सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे? सर आप समझ क्यों नहीं रहे सर, एक एक मिनट भारी पड़ रहा है, सुबह तक देर हो जाएगी सर। देखो मुझे पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस बार अगर गलती की तो सीधे सीआईडी से बाहर हो जाओगे, समझे? नो माफी। वैसे आपके पेपर्स तो सब ठीक ठाक ही लग रहे हैं, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, वो ये है कि आप लोग क्रेमन को इतने जल्दबाजी में क्यों ले जा रहे हैं? हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जल्दी से जल्दी, और वो इन्फॉर्मेशन इस क्रेमन के पेट में है। वो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, मैं आपको एक कमरा दे देता हूँ, यहीं पर कर लीजिए पूछताछ। नहीं सर यहाँ नहीं हो सकता, ये बात सिर्फ फॉरेंसिक लैब में ही की जा सकती है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करना पड़ेगा। लाई डिटेक्टर? ओ, फिर तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। जी सर आप जरा उसे बुलवाएंगे जल्दी? एक बात और है, आपको मालूम है ना ये क्रेमन कितना खतरनाक क्रिमिनल है, और इतने बड़े अपराधी को ले जाने के लिए आप सिर्फ दो ही लोग आए हैं, कोई बैकअप वगैरह नहीं है? सर ये एक खुफिया मिशन है, एकदम सीक्रेट है सर, इसीलिए ज्यादा लोगों को मालूम नहीं इसके बारे में, या यूं कह लीजिए कि हम ज्यादा लोगों को बता नहीं सकते। आपको लगता है कि ब्लास्ट में इसका हाथ है? अब ये तो जब ये बोलेगा तो ही पता चलेगा सर। वैसे आप सेफ्टी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम लोग बुलेट प्रूफ वैन लेके आए हैं। वैसे आज तक हमारी कस्टडी से कभी कोई कैदी भाग नहीं पाया है। पहले कभी भागा है कि नहीं वो अलग बात है, पर अब कुछ हो गया तो फंस जाएंगे आप लोग। वैसे भी सुना है काफी गड़बड़ चल रही है सीआईडी। लीजिए आ गए आपके क्रेमन साहब। एक मिनट, यस सर। आप पेपर्स पर साइन करना भूल गए? एक बार मुस्कान हाथ में आ जाए ना, मार देना सबको गोली से।
माने तो दो इन्हें। लगता है यही गाड़ी है सफेद वाली। द्वारा लाए क्या? हाँ देख लो। मुस्कान किधर है? आओ मेरे साथ मिलवाता हूँ। मुस्कान को दिखा। कौन है गाड़ी में? चलो जल्दी से लेके चलते हैं। आओ यहां कहां से आ गए? मैं अंधी हूं। सर आपने इतने बड़े क्रिमिनल को कैसे छोड़ दिया? देखिए इंक्वायरी चालू है, जब भी कुछ पता चलेगा आप लोगों को बता दूंगा। सर सीआईडी ऑफिसर मुस्कान को बचाने के लिए और क्या क्या किया जा रहा है? वो सीक्रेट है, आप लोगों को नहीं बता सकता। अभी उन ऑफिसरों पर एक्शन लिया जाएगा। अरे जरूर लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा? क्या आम जनता आप सुरक्षित नहीं है? कौन बोल रहा है? हम लोग किस लिए है? चलिए आगे। नो मोर क्वेश्चन, आगे मुझे जाने दीजिए। चलिए चलिए आगे। नहीं नो मोर क्वेश्चन प्लीज। क्यों किया तुम लोगों ने? हाँ क्यों किया? मीडिया ने मेरा नाम पब्लिक में धो के रख दिया। मेरी शक्ल देखते ही लोग मुझे काटने आते हैं। मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा हूं। क्यों किया तुमने ये सब? मुस्कान को बचाने के लिए सर। सर वो हम में से एक है, हमारी ड्यूटी बनती है सर। तो क्या बचा सके उसे? नहीं ना सर, कोशिश तो की ना। सर हम आग बंद करके चुप्पे तो नहीं बैठ सकते सर। एक मुस्कान की जान बचाने के लिए तुम लोगों ने इस देश के लाखों लोगों की जान खतरे में डाली। क्रिमिनल जैसा अपराधी कुछ भी कर सकता है, मालूम है? सर कोई नहीं मरेगा, कोई भी नहीं। हम लाखों लोगों की जान भी बचाएंगे और मुस्कान को भी कुछ नहीं होगा, ये हमारा वादा है आपसे। वादा है? रुक जाओ वहीं पे, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। बस इनफ। तुम लोगों ने अब तक जो कुछ भी किया काफी है, अब जो कुछ भी करना है मैं करूंगा। सर आपने इतने बड़े क्रिमिनल को कैसे छोड़ दिया? ये वो अभी नहीं बता सकते आपको। सर क्या आपने मुस्कान को जिंदा देखा? सर आप मानते हैं कि शहर में जो भी तबाही मचाएगा उसके जिम्मेदार आप होंगे? सुनिए, मैंने सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर दया को नौकरी से निकाल दिया। आज के बाद उनका सीआईडी से कोई संबंध नहीं। देखिए हमारा जो होना था वो तो हो गया,
पर एक बात अच्छी होगी कि कम से कम हमने आपको छुड़ा लिया उन लोगों के हाथों से। मैं तो चुपचाप सड़क पर चल रही थी, बस अचानक दो तीन लोग आए और मुझे उठा के गाड़ी में बिठा दिया। मेरा मुंह भी बंद कर दिया और आंखों में पट्टी बांध दी। ये तो अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मुझे बचा लिया, वरना न जाने वो लोग क्या करते मेरे साथ। देखिए प्लीज, आप हमारी मदद कीजिए। जी, वो कैसे? हमें मुस्कान को बचाना है और उस टेररिस्ट को किसी भी हालत में पकड़ना है। देखिए, मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत कुछ बता सकती हूँ आप लोगों को। जैसे? ये जो कार चला रहे हैं, इनकी आवाज से लग रहा है कि इनकी हाइट करीब 6 फीट की है। सही है या गलत? सही है, पर आपको कैसे पता चला? इनकी आवाज काफी ऊपर से आ रही है। जब एक लंबा आदमी गाड़ी में बैठेगा तभी ऐसे होगा। आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं? आप जरा अपना हाथ दिखाइए। क्या हुआ? जी, आप बुरा ना मानिएगा। नहीं, आप बताइए। आप थोड़े सांवले रंग के, और आपको जब गुस्सा आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लो, हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां से उन लोगों ने आपको किडनैप किया था। हमें एक आई विटनेस मिल गया। देखिए, अब आप हमें यहां से वहां तक ले जा सकती हैं जहां पे वो लोग आपको ले गए। कोशिश करते हैं। कहां कहां गाड़ी गई थी मैंने याद रखने की बहुत कोशिश की थी। चलिए, अब आप सीधा चलिए। सीधा। अब राइट। ये राइट ले लिया। अब सीधे। एक मंदिर आएगा। मैंने घंटियों की आवाज सुनी थी। हाँ, राइट के मंदिर। जरा आगे से लेफ्ट लीजिए। लेफ्ट। ये लेफ्ट। अब एक ब्रिज आएगा। मैंने ट्रेन की आवाज सुनी। देखिए, ट्रेन की आवाज। हम ब्रिज पर ही हैं। आगे। यहां से लेफ्ट लीजिए। लेफ्ट। यहाँ एक छोटी सी गली है। मगर आपको कैसे पता चला कि गली छोटी सी? क्योंकि ड्राइवर रुक रुक के चल रहा था और बार बार हॉर्न बजा रहा था और दोनों तरफ से बहुत आवाजें आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद करीब हम 45 मिनट तक यहाँ रुके थे और फिर उन्होंने मेरे पैर पे मारा मुझे लंगड़ा करने के लिए। फिर
आखिर वो दोनों यहाँ पर ही रुके रहे। शायद वो 8 बजने का इंतजार कर रहे थे। 8 बजे? आपको कैसे पता चला कि वो लोग 8 बजने का इंतजार कर रहे थे? क्योंकि उनमें से एक ने कहा था कि 8 बज गए हैं, और फिर मैंने टिक टिक की आवाज सुनी थी। टिक टिक की आवाज? हाँ, जैसे टिक 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 टिक, घड़ी की आवाज जैसे। घड़ी की आवाज? क्या हो सकता है? एक मिनट रुकिए। क्या वो आवाज ऐसे थी? हाँ, ऐसे ही आवाज थी। पार्किंग लाइट्स, पार्किंग लाइट्स। अभिजीत, उन लोगों ने ऐसे सुनसान इलाके में पार्किंग लाइट्स क्यों ऑन किए होंगे? शायद किसी को सिग्नल देने के लिए। सिग्नल देने के लिए? पर यहाँ सिग्नल देखेगा कौन? एक पता चल गया है कि सिग्नल किसने देखा था। बागू चुमिज्जा की माँ इधर? बेटा, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम इधर क्या कर रही हो? बेटा, मुझे कुछ बदमाश पकड़ कर ले आए। यहाँ कर देखा तू? बेटी मुस्कान यहाँ पड़ी हुई थी। क्या बात, आप हमारे घर आए। कभी हम आपको तो कभी हम इस टूटे फूटे से टेम्परेरी घर को देखते हैं। चला, अच्छा हुआ तू फिर से मिल। यहां से अगर तुझे जिंदा नहीं तो तेरी लाश तो लेके जाऊं। नहीं, ये भी मरी नहीं है, मगर अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसकी लाश यहां से ले जा सकते हो। मुझे पहले से ही शक था, तुम भी मिली हुई हो। एक बदमाश की माँ तो एक माँ से इस तरह से बात करते? हाँ, तुम सिखा दो कैसे करते हैं। एक मामूली से जूनियर ऑफिसर के लिए माने हुए सीआईडी ऑफिसर्स अपनी जान देने पर तुले हुए। पहले क्रेमन कुछ हो और अब दूसरा काम भी करेंगे। कौन सा काम? बलराज को मारना होगा। बलराज? वो बिजनेसमैन? हाँ, क्यों? उसने ही मुझे पकड़वाया, उसी की वजह से मैं जेल गया। अब मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूं। नहीं, क्या? हम ये काम नहीं करेंगे। एक पैर में गोली लगी हुई है, कहो तो सर में बीमार तू। नहीं, नहीं, नो। नहीं। ओके। हम तैयार हैं, हम ये काम करेंगे। ओके, पहले इसे छोड़ दो। नहीं, पहले काम करो फिर इसे छोड़ेंगे। और बलराज की मौत तुम्हारे हाथ से नहीं हुई,
और वो बच गया तो यहां आना भी मत। हाँ, इधर मत आना। मुस्कान की लाश हम ही पहुंचा देंगे। देखो, अगर बलराज हमारे यहां तो मर गया तो हम तो कहीं भी नहीं जा सकेंगे। पूरे देश की पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। सोच लो, तुम्हारी जान या फिर मुस्कान की जान। ठीक है, मुस्कान को छोड़ दो, हम काम कर देंगे। हमें किसी भी तरह से बलराज को यहां से ले जाना होगा। पर वो मानेगा नहीं। मानेगा नहीं तो जबरदस्ती उठा लेंगे। जान से मत मार देना। हाँ, वो तो वो कैसे हो सकता है। बलराज जी, आप हमारे साथ चलिए। अरे क्या मजाक है? हाँ, मजाक नहीं, मामला बहुत सीरियस है। आप चलिए, चलिए। मैं कहता हूँ छोड़िए, छोड़िए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़िए। आप लोग चलो, अंदर चलो, चलिए, भागो सब, भागो, छोड़ो मुझे। लगता है हमें बहुत देर हो गई। रुक जाओ, दया, अभी ये, रुक जाओ, छोड़ो मुझे। एसीपी साहब कहाँ से आ गए? छोड़ दो बलराज को, छोड़ो मुझे। चल सर, हम इसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। जिंदा बचोगे तब ना। मतलब छोड़ दो बलराज को। बलराज भाग, बलराज इधर आओ। सर हम मजबूर हैं, आप पीछे मत आइए प्लीज। सर मुस्कान को बचाने के लिए इसे साथ में ले जाना पड़ेगा सर। मतलब एक जान बचाने के लिए दूसरे की जान दोगे? लाना थे तुम पर। पागल हो गया ऐसा? मार देता हूं। क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं तो बंदा तो लेके कैसे जाएंगे? सॉरी ऐसे नहीं। आप जरा प्लीज बाहर जा सकती हैं? कैसे हो सर? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अभिजीत सर ने मुझ पर गोली चलाई। मुझ पर सर, मेरा हाथ कट गया सर। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो दोनों। सर, अब उनका क्या होगा? होना क्या है, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। सजा? हाँ, सजा, मौत की सजा। हम बलराज को बचा नहीं सके। क्या कर रही हैं आप? हाँ? क्या कर रही हैं आप यहाँ? आपके एक ऑफिसर ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, मैं बस वही रिकॉर्ड कर रही थी। देखो यहाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, समझे आप? चलिए जाइए आप यहाँ से, जाइए, जाइए आप प्लीज। एसीपी प्रद्युमन की आंखों के सामने बिजनेसमैन बलराज का खून हो गया और उन्हीं के एक ऑफिसर को गोली लगी और उनका एक हाथ काटना पड़ा। एसीपी प्रद्युमन ने अपने दोनों ऑफिसर इंस्पेक्टर दया और सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उन दोनों को मौत की सजा दिलवाने की बातें कर रहे हैं। मैं सानिया रिपोर्टिंग फ्रॉम सिटी हॉस्पिटल फॉर फास्ट न्यूज। देखो अब तो मुस्कान को छोड़ना ही पड़ेगा। समझे? छोड़ दिया।
जवान दिया। हम मुस्कान को छोड़ भी देते लेकिन तुम्हारा क्या? हाँ विजय, ये बात तो सच है, इस देश में हमारे लिए अब कोई जगह नहीं है। अब तक तो हमारी फोटो सब जगह लगा दी होगी। एक जमाना था हमारा नाम सुन के ही बदमाशों की पैंट गीली हो जाती थी, आज हम खुद पुलिस से छुपे छुपे घूम रहे हैं। जो हो गया सर, बाकी की सोचते हैं। देखो, हम तुम्हारे लिए एक काम कर सकते हैं। हम आज रात को हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते। ठीक है, अब गुनाह तो हो ही गया है, ये तो यही सही। नहीं और बलराज भी मरा नहीं। ये देख, ये एक बग है जो मैंने अपने दांतों में लगा रखा था। इस बग से तुम्हारी एक एक बात मुझे सुनाई दे रही थी। जिस वक्त तुमने मुस्कान को किडनैप किया उसी वक्त मुझे पता था कि तुम कोई और भी भयंकर प्लान बना रहे हो। उसी प्लान को मुझे काटना था, इसलिए मुझे दया और अभिजीत को सीआईडी से निकालने का नाटक करना पड़ा। नहीं तो हमारी इतनी हिम्मत कि हम एसीबी साहब के ऊपर फायर करें और सीआईडी को धोखा दें, कभी नहीं। क्यों दया? हाँ, कभी नहीं। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।